होशंगाबाद मकर संक्रांति के पर्व पर सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर हजारों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नर्मदा स्नान करने पहुंचे रहे हैं, साथ ही तिल के लड्डू और खिचड़ी दान कर रहे हैं। होशंगाबाद के सेठानी घाट, खरा घाट, पर्यटन घाट सहित अन्य घाटों पर आज सुबह से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। इस दिन तिल का अधिक महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं ने पहले तिल का अवतन लगाकर स्नान किया, उसके बाद दान पुण्य भी किया। बताया जाता है संक्रांति आने से हर दिन शुभ माना जाता है, जिसका प्रभाव गल्ले पर होगा। कहा गया है कि मकर संक्रांति से अनाज सस्ता हो जाता है। घाटों पर सुबह से ही संक्रांति पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी नर्मदा के घाट पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह की गई है। पुलिस प्रशासन ने जवान और गोताखोरों की तैनाती की है। पंडित दुबे ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का दान देने व सूर्य को अर्ध देना शुभ माना जाता है। आज संक्रांति का विशेष महत्व है। बाहर से भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर के माँ नर्मदा के दर्शन के लिए, स्नान के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज मकर संक्रांति का बड़ा ही पर्व है, जिसमें कि दान का विशेष महत्व दिया गया है। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं और बड़े श्रद्धालु भाव से श्रद्धा से माँ नर्मदा में स्नान करने आ रहे हैं। साबुन नहीं लगाते हैं, जटा का अभी स्नान करके भगवती चढ़ाएंगे, हम जटा लगाते हैं। गंगा में, नर्मदा में, का तीर्थ धाम में साबुन नहीं लगाना नहीं चाहिए। होशंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सात घाट हैं नर्मदा जी के, सभी में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और करीबन 100 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा प्रबंध तैनात किए गए हैं। इसके अलावा गोताखोरों की व्यवस्था प्रत्येक घाट पे है, होमगार्ड्स के जवान इसमें लगे हुए हैं। आप सबको मैं बता दूं, आज मकर संक्रांति है, ये पर्व 2 दिन से मनाया जा रहा है, कल भी मनाया गया, आज भी मनाया गया है। और आसपास के क्षेत्रों से नर्मदा जी में स्नान करने के लिए, खासकर सेठानी घाट में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा जो दुरुस्त व्यवस्था की गई है, पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी लगे हुए हैं।